आज इस बटालियन में मेरा दूसरा दिन है और आज ही कुछ घंटे पहले मेरे सीनियर लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त उग्रवाद से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। शहादत, क्या इससे बेहतर मौत किसी इंसान को मिल सकती है? हुजूर, बॉडी ले जाने के लिए तैयार है। इस मसीहा की शहादत से नौशहरा का हर बाशिंदा अनाथ हो गया है। मैं कहता हूं जिहाद करना पाक है, जुल्म करना नहीं। इबादत करना पाक है, नफरत करना नहीं। मनोज साहब, जो बीड़ा पुनीत साहब ने उठाया था वो अब आपको पूरा करना है। खुदा आप सबको कामयाब करे। आमीन। ये सबसे मुश्किल काम होता है, घर वालों को यूनिफॉर्म और सामान भेजना। हमेशा मरने वाले की याद दिलाता होगा। पुनीत साहब का खत। बेटा पुनीत, यू मस्ट ज्वाइन द फर्स्ट ऑन कमीशन, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि हमारे परिवार का फौज से कितना गहरा रिश्ता है। जो काम तुमसे पहले के अफसरों ने अधूरा छोड़ा है वो अब तुम्हें पूरा करना है। सर, मैं शपथ लेता हूं अपने बटालियन का नाम और रोशन करूंगा। हुजूर, क्या सोच रहे हैं आप? क्या बात है, कहीं उस खत में कुछ तो? हाँ मणिराय साहब, उस खत को पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि वो खत एक बाप ने अपने बेटे को नहीं लिखा था, बल्कि एक फौजी ने दूसरे फौजी को बड़े गर्व से लिखा था। लेफ्टिनेंट पुनीत दत्त के पिताजी मेजर दत्त भी एक बहादुर फौजी रहे हैं, इसीलिए पुनीत साहब भी एक बहादुर फौजी थे। यही तो समझने की कोशिश करो मणिराय साहब, क्या यह जरूरी है कि आप ऐसे माहौल से आए जहां आपके काम को समझा जाए, सराहा जाए? मेरे पिताजी की एक छोटी सी होजरी की दुकान है। हमारे खानदान में मेरे अलावा और कोई भी फौज में नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। पर मेरी अपनी ही कुछ कमजोरियां हैं। अब तो शायद जंग के मैदान में ही मैं अपने आप को अपनी नजरों में सिद्ध कर सकूं। हुजूर, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। मणिराय साहब, मेरी माँ भी अक्सर यही कहा करती है। मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। ये देखो, नाश्ता अब तक ऐसे कैसे ही रखा है। क्यों नाश्ता नहीं किया अब तक? मम, मैं... नाश्ता तुम कर रही हो, उठो यहाँ से, उठो। न मैं पूछती हूँ, माँ के हाथ का बना खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, खाते क्यों नहीं? बस माँ, आजकल सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ। क्यों? कहीं वो वजन ना बढ़ जाए। भैया वजन ना बढ़ जाए? हाँ। आपका वजन ना बढ़ जाए? आप पहले से भी बहुत पतले हो गए हैं और काले भी। ए चुप, लेकिन जाओ यहाँ से, जाओ। मेरे चांद जैसे बेटे को काला काला बोलती है। पर एक बात वो ठीक कह रही है, तुमने आईने में शक्ल देखी है अपनी, कितने पतले हो गए हो। हाँ माँ, पहले से काफी हैंडसम हो गया हूँ। हैंडसम वैंडसम कुछ नहीं, बिल्कुल सिंखिया पहलवान नजर आते हो। और भाई सिंखिया पहलवान, क्या हाल है, कब आए? नमस्ते माँ जी। हाँ नमस्ते, लो सुन लो। अरे अशोक, कैसे हो? बस यार बढ़िया, मैं बस कल शाम को ही आया हूँ। अच्छा ये बताओ कब तक हो? 2 हफ्ते। ठीक है तो फिर मिलते हैं वहीं। अरे मिल के पत्थर के पास वाले पुलिया पे।
पुरानी यादों को ताजा करते हैं। तुम्हें मालूम तो है ना वहाँ क्या लिखा है, हैं? अरे चुप, दोपहर को घर आता हूँ तुम्हारे। मिलते हैं। नमस्ते माँ जी। ये पुलिया वुलिया की क्या बात है? कुछ नहीं माँ। अच्छा हाँ, इतने कम दिनों के लिए आना था तो आए ही क्यों? माँ तुम तो जानती हो ना मेरी पोस्टिंग कितनी नाजुक जगह पर है, इससे ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती। और मैंने तुम्हें चिट्ठी में भी लिखा था ना। चिट्ठी में तो बेटा तुमने अपने अफसर पुनीत के बारे में भी लिखा था। हाँ माँ, वो एक बहादुर अफसर थे। देखो बेटा, एक बात तुमको मैं आज साफ साफ कह देती हूँ, हमें बहादुरी के मेडल नहीं चाहिए। तुम आज ही सीधे लखनऊ के सेंटर कमांडर के पास चले जाओ, उनको जाके साफ साफ बोल दो कि हम फौज छोड़ रहे हैं, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। उनको जाके इस्तीफा लिख के दे आओ बस। माँ तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो, फौज छोड़ दो तुम भी ना माँ। अरे माँ फौज छोड़ना इतना आसान नहीं है, तुम बहुत भोली हो माँ। अरे सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हाँ। देखो तुम ऐसा करो बेटा, वापस मत जाओ, हमारा सीतापुर वाला पुश्तैनी मकान है ना। हाँ। उसमें जाकर छुप जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। अरे ऐसे कैसे ढूंढ लेंगे? अरे ढूंढ लेंगे और पकड़कर जेल में डाल देंगे। हाँ? कोर्ट मार्शल होगा, सजा होगी, और जेल में पड़े पड़े सड़ने से तो अच्छा है कि मैं दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते मरूं। हे भगवान, मरे तुम्हारे दुश्मन। देखा माँ, तुमने भी अभी यही बात कही है ना, इसीलिए मैंने आर्मी ज्वाइन की है। अब मैं आर्मी नहीं छोड़ूंगा माँ। देखो देखो तुम बातों में मुझे उलझा देते हो, मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं क्या कह रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ तुम जान जोखिम में मत डालो, तुम्हारे फौज में रहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें है। अच्छा हुआ आप आ गए, आके इसको समझाइए ना, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं। अब वो समझाएंगे तुम्हें। देखे बेटे जी, यदि आप होजरी वाले बिजनेस में हमारे साथ होते ना तो आपकी तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा हम रुपए कमाते। उल्लल्लन है ना, उनके बेटे ने उनके साथ मिलकर एक फॉरेन की शू की दुकान डाली है, कहते हैं उसमें काफी मुनाफा है। बाबा अगर हम फौजी देश की रक्षा नहीं करेंगे तो ये विदेशी जूते खरीदने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। हम हैं तभी ये कारोबार, ये बिजनेस, ये दुकान सब आराम से चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप सबसे बड़ा काम करते हैं और हम लोग कुछ नहीं करते हैं ना। मैं अरे ठीक ही तो कहता है मेरा बेटा। आप भी बस ना, ये बेचारा 2 हफ्तों के लिए तो यहाँ पर आया है, आप लगे उसे लंबा चौड़ा भाषण देने। पर कल रात को तो आप ही ने कहा था कि इसे समझाओ कि जान जोखिम में न डाले। हाँ कहा था, समझाने के लिए कहा था, पर मेरा मतलब ये थोड़ी ना था कि आप भाषणबाजी करने लगो। अच्छा तो हम भाषणबाजी कर रहे थे? अरे हम समझा ही तो रहे थे उसको कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या चीज फायदे वाली चीज है, क्या चीज नुकसान वाली चीज है। ठीक है आपकी बात मैं मानती हूँ, पर समझाने का कोई तरीका होता है, सलीके से समझाया जाता है। आओ ना। अरे भैया आप कब उठे, और उठते ही अपने दोस्तों के साथ? अरे वाह, आज तो बड़े बड़े मेहमान आए जी। नमस्ते भैया, ये प्रिया है। प्रिया ये मेरे मनोज भैया, कल ही फौज से आए हैं 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर। हाँ जैसे इन्हें तो पता ही नहीं है। तुम चुप करो, तुम बोलते बहुत हो। नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई सी क्या पहलवान, फौज में खाना वाना मिलता है? नहीं मिलता भाई, क्या सेहत बना रखी है। वाह माशाल्लाह। भैया असली सेहत इसी को कहते हैं। अच्छा। हाँ वैसे भी हिम्मत और ताकत होनी चाहिए, और ये जो सब है ना सब खोखला है, देख हवा भरी हुई है हवा। तो आजमा लेते हैं, आ जाओ लड़ा लो पंजा। नहीं भैया तुम पहलवान आदमी हो, मैं हार गया। भैया आपको पता है ना ये ऐसी शेकी झाड़ते रहते हैं, आज तो इन्हें सबक सिखा ही दो। रहने भी दो छोटी, दोस्त है अपना। अब ये क्यों नहीं कहते कि डर गए? अच्छा भैया डर भी गया। अभी लड़ाते हो पंजा की, सबको बता दूं कि मील के पत्थर के सामने वाली पुलिया पर क्या लिखा है। चुप करो यार। तो फिर लड़ाओ पंजा। हाँ आ जाओ। आए ना अब लाइन पर। छोड़ो यार देख रही है लड़की पर इंप्रेशन जमाना चाहते हो? दोस्त हो ना।
अरे मैं कोई दोस्त दोस्त नहीं हूँ। ये बात है? हाँ। तो आ जाओ। अरे वाह, रारिन सिंगल हड्डियों में तो कमाल की ताकत है। मान गए भाई, क्या है यार, सारा इंप्रेशन ही डाउन कर दिया। अच्छा मनोज, मैं जाकर कैरम खेलता हूँ, हाँ ठीक है ना? वहाँ इंप्रेशन का ध्यान रखना। ओके। प्रिया, मेरे भैया गोलियों का सामना तो कर लेते हैं, लेकिन जरा लड़कियों के सामने घबराते हैं। छोटी हनुमान के भक्त है ना, हमेशा से हॉस्टल में रहे हैं, अनुशासन में। आप हॉस्टल में कहाँ थे? जी वो जी यही था, लखनऊ में सैनिक स्कूल में। प्रतिभा आपके बारे में बहुत बातें करती हैं, बहुत तारीफ सुनी है आपकी, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी मेरी। फिर तो जी बड़ी निराशा हुई होगी मिलकर। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो। अच्छा मैं पकौड़े बना कर लाती हूँ, आलू के की गोभी के? छोटी। अच्छा दोनों ही ले आती हूँ, मैं पकौड़े लेके आती हूँ। प्रतिभा। अरे प्रिया तुम रुको ना, मैं आती हूँ। मनोज जी कम से कम बैठने के लिए तो कहिए। आप बैठ जाइए ना, खड़ी क्यों है? बुद्धू है, मैं ही बैठ जाती हूँ। देखा बेटिया, आपका भैया फौजी ड्रेस में क्या गबरू जवान लगता है ना? लो इधर आओ। आ बेटिया। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, लेकिन एक शिक्षा देती हूँ तुम्हें, वहां जाकर ज्यादा वीरता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी आदत है। देखो बेटे, मातृभूमि की जमकर सेवा करना, डट के करना। लेकिन जरा संभल के हैं? बाबा, जब कोई मातृभूमि पर प्रहार कर रहा हो, अपनी माँ को कोई मार रहा हो, तो क्या सुरक्षा और क्या संकोच, क्या डर और क्या मौत। ये क्या पैदा कर दिया आपने, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? जब ये पैदा होने वाला था तभी हमने आपको ताकीद कर दी थी कि कमरे के अंदर क्रांतिकारियों की तस्वीर मत लगाओ, मगर तुमने माना नहीं। देखो कैसी औलाद पैदा हुई। मनोज भैया, मनोज भैया, आपकी जीप आ गई। श्रीमान, स्टेशन में गाड़ी जाने ला तैयार छा। ठीक छा। लेकिन श्रीमान अभी तैयार नहीं छा, थोड़ी देर बाद भैया। देखा हमारे लल्ला को कितने सलूट मिलते हैं, आपको कभी किसी ने सलूट किया है? आज मैं आप दोनों को सैल्यूट करता हूं। जीते रहो मेरे बेटा। जुग जुग जियो मेरे बेटे, जुग जुग जियो। भैया, प्रिया आई है मिलने। हा? अच्छा किया जो आप आ गए। आप अपना ख्याल रखना। आप भी। आपको गोरखा हाट बहुत पसंद है ना? मेरे पास भी है, मुझे भी अच्छी लगने लगी है। सुनिए सुनिए सुनिए। अरे ठुल्लू बहादुर भाई, आज का ताजा समाचार सुनाओ यार।
प्रशांत आंध्र हिंद कुमेर सुमेर महासागर में भीषण आग लगी होने से बहुत मछली मर गए हैं। कारगिल के उच्च पहाड़ी चोटी पर हाथ पाव फिसलने से बहुत बंदर लोग मर गए हैं। मरने वाले बंदर वैज्ञानिकों अनुमान में पाकिस्तान से आया हुआ है। तुल्लू बकवास बंद कर और मुख्य समाचार सुना। मुख्य समाचार यह है, पाकिस्तान से आए हुए सैनिक को कारगिल में हिंदुस्तानी सैनिक ने मुंह तोड़कर जवाब दिए हैं। क्रांति हो कि होई ना। अब ये तुल बहादुर से इंग्लिश में समाचार सुनी। एक्सक्यूज मी, अंग्रेजी में समाचार तो हम भी सुनना चाहेंगे। अंग्रेजी में यह है कि दिस। पढ़ो। तुल्लू अगर अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती है तो पेपर तो कम से कम सीधा पकड़ो। अरे साहब जी, सीधा पेपर तो हर इंसान पढ़ता है, उल्टा पेपर खाली टुलवारे पढ़ सकता है। तुल्लू हमें बुलावा कभी भी आ सकता। हाँ? तो आज तुम्हारी तरफ से एक नाच और एक गाना हो जाए, क्यों भाई? पेपर पकड़ लीजिए। हाँ हाँ, दे दो। कांची हो कांची, ए कांची को ही तमा बोला ना, तिमी जुरेली जस्तै नाचना। कांची के ही तुम्हें बोला ना, ए मानक कोरा खोला ना, ए माडल गन 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 कोला, तुम्हें जुरेली जस्तै नाचना। कांची हो कांची, कांचा हो कांचा, कांची हो कांची, कांचा हो कांचा। गंगा। अरे भीमा, अरे तुम आ गया आए हो। और देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए हो। दिखा। अरे नीला, लाल, पीला, ये तो बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। तुम ये पहनो ना, ये क्या पहन रखा है। ठीक है ठीक है। हाँ एक चीज और लेके आया हूँ। क्या ले? जल्दी दिखाओ, जल्दी दो। ये तो बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट। और सुनो, मैं नायब सूबेदार बन गया हूँ। अरे देखो क्या है, ये तो वही पुराना फीता है। क्या बात कर रही हो? तुम वही पुराने हवलदार हो। क्या बोलती हो तुम, ये देखो ना। गंगा मैं गलती से पुरानी यूनिफॉर्म पहना आया हूँ, तुम ठहरो मैं भी आता हूँ। अरे अरे छोड़ो ना, तुम आगे हो बहुत है, बाद में देख लेंगे तुम्हारा नया यूनिफॉर्म। गंगा तुम खुश नहीं हो। अरे मैं खुश हूँ। नहीं तुम खुश नहीं हो। खुश हूँ मैं नायब सूबेदार की यूनिफॉर्म पहनकर अभी आता हूँ। अरे छोड़ो ना। नहीं गंगा तुम ठहरो, मैं बाद में अभी आता हूँ। आप बांसुरी बहुत अच्छी बजा लेते हैं, हर सुर में एक दर्द छुपा हुआ है। साहब किसी प्रेमिका की याद आ रही थी क्या? प्रेम, तुम पहाड़ी लोग प्रेम के भाव को झट से पहचान लेते हो। साहब एक बात पूछूं, आपने गोरखा रेजिमेंट कैसे ज्वाइन की? भीम ये तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जब मैं छोटा था तो लखनऊ में हमारे घर के पास गोरखा ट्रेनिंग सेंटर था। हाँ। मुझे उनकी हैट बहुत अच्छी लगती थी। मैं चाहता था कि मैं भी ऐसी हैट पहनूं, और गोरखा लोग भी मुझे बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की कि बड़ा होने पर मुझे गोरखा अफसर बना दे। मेरी तो सब जान ली, अब तुम बताओ कि तुम छुट्टी पर कब जा रहे हो। साहब दिल तो चाहता अपनी गंगा के पास उड़कर पहुंच जाऊं। लेकिन साहब पुनः पहुंचकर ही सोचूंगा। पुनः? पुनः ही क्यों, तुम तो पिछले 2 साल से छुट्टी पर नहीं गए हो। साहब मेरी घरवाली गंगा की बहुत इच्छा थी कि मैं नायब सूबेदार बनूं, उसको बहुत खुशी होगी साहब मेरे कंधे पर नायब सूबेदार का रैंक लगा देखकर। भीम तुम नायक सूबेदार जरूर बनोगे, तुम्हारी गंगा की इच्छा जरूर पूरी होगी। जय गुरु साहब, आपका रोटेले साहब का मैसेज है, शायद यूनिट यहाँ से मूव कर रहे साहब।
अभी तक तो 24 घंटे का नोटिस था, अब शायद 0 आवर का नोटिस हो। भीम अब भी कहता हूँ छुट्टी ले लो। तुल्लु, आज इतने चुप से क्यों हो? 2 साल तक कश्मीर में आतंकवादी का पीछा करता 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 जूता का नीचा भी हिस्सा खत्म हो गया। फिर शेरचंद में जाने के बाद मैंने सोचा कि पुणे जाकर नया जूता मिल जाएगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आना पड़ रहा है। तुल्लु, एक काम करना, अब की बार पहले एक्शन में ही अपना टारगेट चुन लेना, ठीक है? पाकिस्तानी गर्दन अपने खोखरे से उड़ा देना, फिर उसके जूते पहन लेना। वो तो सही है, लेकिन वो भी मेरी तरह फटेला जूता वाला पड़ गया तो? तो मेरे से ले लेना यार, मेरे पास एक स्पेयर पड़ा है। साहब जी, पाकिस्तानी वाले ऊंची ऊंची पहाड़ से बर्फीली चट्टान सूखी जगह पर क्यों आते? बेचारा लटक रहा है, राशन पानी कहाँ से आता होगा? भाई वो भी हमारी तरह सोल्जर है, जो हुक्म मिला सो किया। सर, ये पाकिस्तानी वाले अपनी फैमिली को क्या बताते होंगे कि हम क्या जीते है? यार हम लोग एक पीस में पुणे वापस पहुँचाए। आप चिंता मत कीजिए साहब, गोरखा कबाब पाकिस्तानी फौज हजम नहीं कर सकती। हम एक पीस में वापस आएंगे, या तो दो ढांगे पर या तो डब्बा में। वाह वाह तुलु, क्या क्या डायलॉग मार रहे हो, चलो 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 चलो। वेलकम टू द मैट हाउस, हाउ द बॉयज? सर आप चिंता न करें, हम गोरखाज किसी भी हालात में अपने आप को ढाल लेते हैं। ओके कम फॉरवर्ड, लेट मी एक्सप्लेन टू यू ऑन द मैप। हम यहाँ है, यह है पॉइंट 4812, पॉइंट 4821 हलुबार। मैं चाहूंगा आप अपनी पर्सनल ले जाएं और इलाका 4821 पर कब्जा करें। लेकिन सर, एनी प्रॉब्लम? अभी तक हमारी पूरी बटालियन ऊपर तक नहीं पहुंची है। अमोल, अरे गोरखास को तो देखते ही दुश्मन की हवा खिसक जाएगी। एंड यू सेड यू आर द फर्स्ट, इन दैट केस इट शैल बी डन। फर्स्ट के वीर बहादुरों, रणभूमि में जब वीर जवान उतरते हैं तो एक जलजला सा आ जाता है। आज इस पहाड़ी पर तैनात दुश्मनों के भी नट बोल्ट खड़खड़ाने लगे होंगे, क्योंकि आप जैसे वीर सिपाही उन पर टूट पड़ने वाले हैं। नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट जेंटलमैन, पॉइंट 4821 पर ग्रेनेडियर्स और दुश्मनों के बीच एक घमासान लड़ाई जारी है। ग्रेनेडियर्स के काफी जवान हताहत हुए हैं। कैप्टन पांडे, आप अल्फा कंपनी के साथ पॉइंट 4821 पर हमला करेंगे। सर, आर यू प्रिपेयर्ड? यस सर, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि दुश्मनों से मुठभेड़ हो। जागो, आप डेल्टा कंपनी की टोली के साथ ग्रेनेडियर्स के पैटर्न को दुश्मन से बचा कर लाएंगे। सर, एनी डाउट्स कैप्टन पांडे? नो सर। याद रहे, आप लोगों के बारे में दुश्मन को भनक भी ना पड़े, आप लोगों को दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करना होगा। क्रांति हो के होए ना। मां, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं क्या करना चाहता हूं? तुम मेरी यादों में मत आना, मेरे ख्वाबों में मत आना मां। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, नहीं मिलना चाहता।
रिश्तों की हर नाजुक टहनी को तोड़ के आ गए। अब चांद नहीं मेहराबों में, बारूद भरे हैं ख्वाबों में, आंखों से आग टपकती है, अब पल के नहीं। हेलो तारिक साहब, मुझे इस गर्दू से सिर्फ 75 आदमी यहाँ लाने को दिए गए थे, उनमें से 25 बीमारों का चले गए, पर मैं नईम की रीच को इतने कम बर्फी से कैसे संभाल पाऊंगा। अरे ओ सैयद अहमद, तेरे को मालूम है ना यहाँ पर कितनी कॉम्प्लिकेशंस है। तू मेरे को एक बात बता, तू लड़ाई में आया है या बारात में? जब से वहां गया है बस रोज एक ही बात बताता है। देखो इन हिंदुस्तानियों में इतना दम नहीं है जितना तुम समझते हो। ऐसी बात है ना, तो मैं खुद वहां पहुंच रहा हूँ, जाहिल कहीं का। 1-5-4-9-1 over. सुनो, आज फिर दुश्मन का पट्टे चक दिए क्या? अरे जनाब पट्टे हमारे चक्के जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? कि लड़ाई सिर्फ विल पावर से लड़ी जाए, यहाँ ना पानी है ना रसद, और हमें खबर मिली है कि गोरखा पलटन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ओ नहीं, तुमने डोडा कब से लगाना शुरू कर दिया है? तुम्हें तो हर जगह गोरखा दिखाई देते हैं। आप हर हालत में पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, मैं रसद भिजवा रहा हूँ। वन फाइव फोर नाइन वन मैसेज ओवर। हेलो 15, यह हिंदुस्तानी आवाज सुन। जल्दी तुम्हारे घर में घुसकर, तुम्हारे कमांड में घुसकर जनगणमन सुनाएंगे। आउट, जय मां काले, पर अभी तो एक ही पड़ाव जीता है और हमें बेस पर वापस लौटना है। साहब इतनी जल्दी? अरे बहन जी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, बड़ी खतरनाक पोस्ट पे विजय पाई है उसने। पूरे लखनऊ में क्या, पूरे देश में चर्चे हैं उसके। पता नहीं ये लड़ाई कब खत्म होगी, मैं तो चाहती हूँ मेरा बेटा वापस आ जाए बस। मुझे नहीं लगता अब उसे वापस भेजेंगे, सुना है दुश्मन उसके नाम से थर थर कांपते हैं। हाँ माँ जी, मैंने रेडियो पर सुना, एक आदमी बता रहा था कि जुबेर टॉप की लड़ाई में मनोज की गोलियां खत्म हो गई थी और दुश्मनों ने उसे देख लिया था। हाय राम। अरे माँ जी कुछ नहीं हुआ, मनोज तो दुश्मनों पर ऐसा टूट कर पड़ा कि सबके दांत खट्टे कर दिए, एक आदमी की तो गर्दन पकड़कर उसे वहीं मरोड़ दिया और दूसरे के पेट में ऐसी लात मारी कि वो 10 फीट दूर जाकर गिरा, और एक आदमी ने जैसे उस पर चाकू से हमला करना चाहा तो मनोज ने उसी का चाकू लेकर उसे वहीं चीर दिया, एक की तो आंखी फोड़ दी। माँ जी ये सब मैं आपको अंदर की बता रहा हूँ। मैं ये सब नहीं मानती, ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत बातें हैं। अरे वो ये सब कहाँ कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता, वो लड़ाई के मैदान में पाकिस्तानी दुश्मनों को लड्डू बांटेगा क्या?
वो मैं सब नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फर्ज के वीरों, क्रांति की सही क्षमता को परखने का समय आ गया है। हमें खालूबार टॉप और खालूबार साउथ दोनों पोस्ट को कैप्चर करना है। मुझे मालूम है कि हमारे पास दुश्मन के पोजीशन की जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप सब एक बात ना भूले कि हर मुश्किल हो आसान जब ठान लेता है क्रांति। याद रहे, दुश्मन काफी तादाद में है, हमला कभी भी हो सकता है। नो मूव बिफोर लास्ट लाइट 2nd जुलाई। कोई शक? नो सर। क्रांति होए कि होए ना, हो हो हो। अब्बासी साहब, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ कारगिल में कर क्या रहे हैं। पिछले 9 महीने से यहाँ टंगे हुए हैं। अगर एक के बाद एक पोस्ट छोड़कर भागना ही था तो इतनी पोस्ट लगाने का फायदा ही क्या था? तो जाकर पूछो ना तारिक साहब से, 50 आदमी क्या 12 पोस्टों को संभाल सकते हैं? और वो क्या समझते हैं, हिंदुस्तानियों ने चूड़ी पहनी है? ये सबसे अहम पोस्ट है खालूबार। इंशाल्लाह हमें यहाँ डट कर मुकाबला करना होगा। अगर यहाँ से भी भागना पड़ा तो? भागने की बात करोगे तो मैं तुम्हें पहले गोली मार दूंगा, समझ गए? तो मार दीजिए सर, जहाँ इतने कत्ल हुए हैं उनमें मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा। ओए खबीज के बच्चे, वो कत्ल नहीं हुए थे, शहीद हुए हैं वो, वतन के लिए शहीद हुए हैं वो। किस वतन की बात करते हैं सर, ये बेजान चट्टीले पहाड़, क्या सिला मिला है हमें उनकी कुर्बानी का? ये सियासत की बात है बच्चे, तुम नहीं समझोगे। जब वर्दी पहनी है तो जुबान बंद और आंखें खुली रखो, और अगर फिर भी नहीं मानते तो यहां से कूद जाओ, या तो नदी में डूब मरोगे या फिर तुम्हें गोरखा कच्चा चबा जाएंगे, समझे? साहब, आप क्या सोच रहे हैं? भीम, मुझे इन दुश्मनों की बेवकूफी पर हंसी आ रही है। इन्होंने ये सोच भी कैसे लिया कि हमारी भूमि पर कब्जा कर लेंगे? वो नहीं जानते थे कि गोरखा का जुनून पागलपन की हद को छू जाता है, जो मरकर या मारकर ही सांस लेता है। इसी जुनून में 3 पड़ाव तो पार हो गए, बस 2 और बाकी है, और फिर हम अपनी मंजिल पर होंगे। माँ काली की कृपा से हम मंजिल तक तो बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। मंजिल तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, बस मुझे लड़ाई की एक सच्चाई सता रही है। कैसी सच्चाई साहब? भीम, हर सफलता की एक कीमत होती है जो हर सफल इंसान को चुकानी पड़ती है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें आगे भी सफलता दे, और उसकी कीमत हमारी मेहनत और बहादुरी को ही मान ले, हम में से किसी की जान ना ले। जियो साहब जी, जियो पाकिस्तानी चाय पियो और उनके गुणगान गाओ। अरे बात उल्लू, तुम्हारी तो पाकिस्तानी चाय पीने की तमन्ना पूरी हो गई, लेकिन इतनी रसद आई कहाँ से? शायद उन्होंने तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। राशन तो साहब जी 1 हफ्ता तक खत्म नहीं होगा। तुम्हारा क्या मतलब है, अभी 1 हफ्ता और ठहरेंगे? 1 हफ्ता, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। अरे कुछ ज्ञान है तुमको? पिछले 25 महीने से घर नहीं गया हूँ, और अगर जल्दी से नायब सूबेदार नहीं बना तो गंगा बहुत नाराज हो जाएगी यार।
आपको अनुमति लेकर दुश्मन लड़ाई लड़ेगी क्या? थुल्लू, तुम एक दिन मेरे हाथों मरोगे, बता रहा हूँ तुमको। मुझे मारने से आपको प्रमोशन नहीं होगा साहब जी, दुश्मन अच्छा, को मारेंगे हाँ। तब ना। ए थुल्लू, थुल्लू तुम क्या कह रहे थे यार दुश्मन के बारे में? थुल्लू, थुल्लू साहब जी, साहब जी, साहब जी, थुल्लू गया, थुल्लू गया, थुल्लू। तुल्लू, तुल्लू, साहब जी, ये क्या कर रहे हो भीम? साहब, साहब जी, साहब, पिछले 25 महीने से मैं घर नहीं गया, मैं घर नहीं गया कि मैं नायब सूबेदार बनूंगा। मेरी गंगा की बहुत इच्छा थी कि मैं नायब सूबेदार बनूं। गंगा साहब, 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 अगर मैं मरा, मैं शहीद हुआ, ये मेरी लाश को पहना देना। पागल हो गए हो क्या भीम? नहीं साहब, हम यहाँ दुश्मनों का कत्ल करने आए हैं, खुद शहीद होने नहीं आए। कम ऑन, चार्ज एवरीबॉडी, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, आयो गोर खाली, जय मां काली।
ए भीम उठो ए भीम, ना एक सूबेदार बनना है तुम्हें। ए भीम जब अकाली जब अल्फा 415, संगर हमने कैप्चर कर लिया है, लेकिन हवलदार भीम बहादुर शहीद हो गए हैं। उनकी इच्छा थी कि नायब सूबेदार बनकर ही घर जाएं। रिक्वेस्ट अकॉर्ड अप्रूवल फॉर प्रमोशन। और 154 अल्फा 1, अगर मरने वाले की यही इच्छा थी तो गो अहेड एंड डू इट। आउट। शर्म आनी चाहिए अब्बासी आपको। कश्मीर हमारा वतन है, हमारा आशना है। We must give a fight till the last. Fight till the last. कुर्बानी के बकरे हैं हम। गणेश, जिस तरह से पाकिस्तानी गोलियां चला रहे हैं, लगता है इनकी मौत इन्हें बुला रही है। आखिरी पड़ाव बचा है गणेश, हम सिर्फ दो बचे हैं। हो सकता है इसके बाद एक ही बचे या फिर दोनों ही बच जाए। सोल्जर टू सोल्जर, आओ एक बार गले मिल लें। चलो आओ, मिटा दें दुश्मनों को जिनके नापाक पैरों ने हमारी भारत माता को छुआ है। जय मां काली। आयो गोरखाले। 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 Thank you.
हम अपने आज को बांध रहे हैं खून के पत्थरों से माँ, तुम हमेशा कहती थी ना, फौज छोड़ दो। लो आज मैंने फौज छोड़ दी।